नमस्कार, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो हमें इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिला हुआ है, जिसे सारे लोग पूरी फ्रीडम से यूज़ करते हैं, अपनी पूरी फ्रीडम से अपनी बातें उसमें रखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ ही टाइम में इसमें से काफ़ी सारे लोगों के जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो थाउजेंड्स और मिलियंस तक पहुँच जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इनमें से ज़्यादातर लोगों के जो कंटेंट्स होते हैं, जो अपने वो पोस्ट में, वीडियोस में दिखाते हैं, वो कितना ज़्यादा यूजलेस होता है। लाइक ये जो है वो मटेरियलिज्म को बढ़ावा देते हैं, बैड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, रॉन्ग एग्जाम्पल्स सेट करते हैं लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आज लोगों के लोगों में स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, लोगों में एंजाइटी बढ़ती जा रही है, जब वो मटेरियलिज्म वाले सारे कंटेंट्स देखते हैं। और आज लोगों की लाइफ जो है वो एक मटेरियलिज्म रेस बन के रह गई है। लोगों की लाइफ रेगुलेट बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन पूरा भरा हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि भागवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है, और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जो आज हमें मटेरियलिज्म सिखा रहे हैं, इनके बारे में भगवान क्या कहते हैं भागवत गीता में। तो भागवत गीता के 3rd चैप्टर के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। और आज के टाइम में हम महापुरुष किसे मानते हैं? इन इन्फ्लुएंसर्स को ही हम महापुरुष मानते हैं। ये जिस तरह का काम करते हैं, हम उन्हीं कामों के पीछे लगना चाहते हैं, राइट? तो जितने भी इतने सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया या फिर यूट्यूब्स वगैरह, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें जिस तरह का दिखाया जाता है कॉन्टेंट, लोग उसी को ही फॉलो करने जा रहे हैं। अब भगवान उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स वर्ड ये तो यूज़ नहीं करते ना, तो उन्होंने महापुरुष जैसा वर्ड यूज़ करा है। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, सामने हमें पता है कि ये सारे लोग इन्हें ही महापुरुष समझते हैं और इनके ही किए गए कामों का अनुसरण करते हैं। वो जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह की भी अपनी दिनचर्या बताते हैं, हम उसे ही फॉलो करने चले जाते हैं बिना अपना दिमाग लगाए। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि महापुरुष जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, पूरा विश्व उस काम का अनुसरण करते हैं। बट यहाँ पे आज हम देखते हैं कि ये जो भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, वो किसी भी तरह का आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी पूरा विश्व उनके कामों का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। साथ ही भगवान ने 25th श्लोका में इसी चैप्टर में ही बोला है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। और आज हम देखते हैं कि ये जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सिर्फ कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ही किसी भी तरह का कंटेंट्स दिखाएंगे, कुछ भी डेयर खेलेंगे, कुछ भी कंटेंट्स दिखाते हैं। और यहाँ पे भगवान साफ कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जन है, वो फल की आसक्ति से काम करता है, यानी कि उन्हें कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो कुछ भी दिखाएं, बस उनके कंटेंट्स पे, उनके वीडियोस पे लाइक्स आ जाएं, सब्सक्राइबर्स आ जाएं या फॉलोअर्स आ जाएं उन्हें, वो इसलिए काम करते हैं। वहीं पे विद्वान जनों को चाहिए, जो ज्ञानी है, जिन्हें मतलब जो असली ज्ञान देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो फल की आसक्ति के बिना अनासक्त रहना, यानी कि आसक्ति के बिना, यानी कि डिटैच्ड होकर अपना काम करें और लोगों को सही रास्ते पर, उचित पथ पर ले जाने के लिए काम करें। तो जो विद्वान जन है, ऑब्वियसली जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो एक्चुअली विद्वान जनों के लिए ही होना चाहिए, बट आज जो है इतनी फ्रीडम है हम सभी को कि कोई भी सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा है। और इसलिए ही ऐसा हो गया है कि जो जिन्हें रियल नॉलेज नहीं है, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जो विद्वान नहीं है, वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं और लोगों में किसी भी तरीके का ज्ञान बांटने निकल लेते हैं, सो कॉल्ड ज्ञान। और इस वजह से जो है सारी जनता बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रही है, बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर जा रही है। तो विद्वान जनों को चाहिए कि वो फल की आसक्ति के बिना लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए अपना काम करते रहें। साथ ही भगवान ने हमें यहाँ पे समझाने के लिए इसी चैप्टर के ही श्लोक नंबर 20 में भगवान ने हमसे कहा है कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए।
तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि सामान्य जनों को यानी कि नॉर्मल आपकी ऑडियंस को शिक्षित करने के लिए आपको यू नो कर्म करना चाहिए, और वो भी फल के प्रति आसक्त हुए बिना। और साथ ही इसी चैप्टर में ही 23rd और 24th नंबर श्लोक में भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर वे नियत कर्म नहीं करेंगे तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, यानी कि लोग सारे उनके यू नो उनके पथ का यानी कि उनके रास्ते का अनुसरण करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे और हम लोगों का यू नो विनाश हो जाएगा। लाइक हम लोग सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी, राइट। तो इसलिए भगवद गीता से हमें ये क्लियर होता है कि हमें किस तरह के लोगों को फॉलो करना चाहिए, किस तरह के लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। और साथ ही लोगों को चाहिए कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में है, जिनकी ह्यूज ऑडियंस है, बड़े बहुत सारे ऑडियंस है जिनके, वो उन लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए काम करें, ना कि सिर्फ अपने यू नो फ़ायदे के लिए कुछ भी कॉन्टेंट्स या वीडियोज़ या पोस्ट डालें और दिखाते रहें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को समझ आया हो कि यू नो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना चाहिए किसी भी बातों से, बल्कि हमेशा हमें एक इंस्पिरेशन के लिए खोज करनी चाहिए, जो हमारी इंस्पिरेशन है, जो हमें एक्चुअली में इंस्पायर कर सके, ना कि इन्फ्लुएंस ही करते रहे हमें हमारी लाइफ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे जल्द ही फिर से किसी नए वीडियो में। हरे कृष्णा।